हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ ज़ोया सिद्दीकी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने जा रही हूँ अपना घर बैठे बालियाज। तो मैंने कैसे किया है, क्या प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, तो वो बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। गौर से देखिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें, और कॉमेंट्स में बताइएगा कि और मुझे किस तरह की वीडियोज़ बनानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेट्स गो जी। यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना रूट टच मैंने किस तरह से किया अभी थोड़ा सा बता रही हूँ, बट डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ इसके ऊपर, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो भी चेक कर लीजिएगा कि मैं रूट टच कैसे करती हूँ। ठीक है, तो अभी रूट टच कर लिया है। रूट टच के बाद जी तो बालियाज स्टार्ट कर रहे हैं। बालियाज के लिए हमने लिया है यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है 50 ग्राम का साशे। तो 50 ग्राम के साशे के साथ मैं ले गई हूँ जो वॉल्यूम, जो डेवलपर ले गई हूँ वो 30 वॉल्यूम का ले गई हूँ। अच्छा जी, आपने इतना लेना है कि एक स्कूप आप ब्लीचिंग पाउडर लेंगे और एक स्कूप आप लेंगे वॉल्यूम जो डेवलपर का है वो आपने लेना है। और आपने इतना करना है कि ना तो थिक होना चाहिए ना तो थिन होना चाहिए, आपने दरमियाना मीडियम रखना है कि लिक्विडी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लेंगी और इसको मिक्स करना है मैंने, और उसको मैं साइड पे रख लूँगी ताकि थोड़ा सा ये जो है ना इसका क्या कहते हैं बबल्स आने लग जाए। फिर उसके बाद मैं दोबारा इसे मिक्स करने वाली हूँ और फिर मैं इसको अप्लाई करूँगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने जो अपने हेयर्स जो हैं वो 4 पार्टीशन में डिवाइड कर लिए थे आफ्टर रूट टच। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पहले रूट टच करते हैं, फिर वॉश आउट करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो बालियाज करते हैं, फिर उसको वॉश आउट करते हैं, फिर टोन करते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ पहले मैंने रूट टच किया है। रूट टच के बाद जो नीचे, क्योंकि नीचे से बालियाज होते हैं, तो मैंने क्या किया है, मैंने 4 पोर्शन में वैसे डिवाइड कर लिया था। फिर मैंने क्या, एक पोर्शन को मैंने ओपन किया है, फिर मैंने एक थोड़े से बाल लिए हैं, फिर हेयर का पोर्शन लेकर मैंने उसको बैक कॉमिंग की है। बैक कॉमिंग के बाद जो बाकी रह जाते हैं हेयर्स उन पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लीचिंग पाउडर, और फिर मैं एक फॉइल की मदद से मैं उसको रैप कर लूँगी। फॉइल क्यों लगाते हैं, अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है। फॉइल इसलिए लगाते हैं कि आपके जो हेयर को वो थोड़ी सी हीट आनी चाहिए, तो हीट आएगी तो ही आपकी ब्लीच आपके बालों में असर करेगी, आपके हेयर में आपका कलर असर करेगा। ठीक है ना, तो जल्द से जल्द आपका रिज़ल्ट आना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो रिज़ल्ट इतनी जल्दी नहीं आता है। जो हम लोग फॉइल के और जो हीट करते हैं, जो हम लोग जो शावर कैप पहनते हैं जो उनसे होता है ना, वैसे ऐसे अगर ओपन कर देंगे तो इतनी जल्दी रिज़ल्ट नहीं आता। तो जल्दी रिज़ल्ट के लिए हमें फॉइल यूज़ करना लाजमी है। मैं सारे बालों को अपने वॉश करने वाली हूँ। वॉश करने के बाद मैंने कोई इसमें कंडीशनर यूज़ नहीं किया, क्योंकि अभी एक और स्टेप बाकी है कि 3 स्टेप हैं। पहले मैंने रूट टच किया, फिर मैंने बालियाज किया, फिर उसके बाद मैं अभी हेयर्स को टोन कर लिया। टोन करने के लिए आपके पास वेला का टोनर भी मिलते हैं, बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनके टोनर्स मिलते हैं, बट मैंने टोनर यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा सस्ता और कहते हैं ना मयारी सा काम करना था। तो इंशाल्लाह मैं टोनर भी लेके आऊँगी, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो बताऊँगी उसकी भी, बट अभी जो है जो घर में जो चीज़ थी ना वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो टोन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पैलेट कंपनी का ही एक हेयर प्लैटिनियम है इसका शेड या ब्लॉन्ड शेड है, तो वो आपने यूज़ करना है क्योंकि मुझे ब्लॉन्ड चाहिए है। तो मैंने ये ले लिया है कलर, और मैं इसका लूँगी 1.5 टेबल स्पून में लूँगी इसका हेयर कलर, और डेवलपर मैं सारा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो डेवलपर है वो 10 वॉल्यूम डेवलपर है। आप 20 भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 10 ले रही हूँ, इट्स अप टू यू, या तो 10 ले लें या तो 20 ले लें, इट्स अप टू यू। तो मैं यहाँ 10 ले रही हूँ, और फिर मैं इसे मिक्स कर लूँगी, और फिर मैं इनको 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लूँगी अपने हेयर्स को।
हेयर्स को डिवाइड करने के बाद फिर मैं अपने हैंड की मदद से जैसे ऑयल अप्लाई करते हैं ना, जैसे सीरम्स अप्लाई करते हैं अपने हेयर्स में, मैं वैसे ही अपने हेयर्स में ये हेयर कलर अप्लाई कर रही हूँ। फिर 30 मिनट्स के बाद मैं इस हेयर्स को दोबारा वॉश करने वाली हूँ और मैं फिर कंडीशनर लगाऊंगी। कंडीशनर के बाद मैं लगा रही हूँ इसमें हेयर मास्क। हेयर मास्क आपके पास जिस कंपनी का है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हेयर मास्क में आफ्टर वॉश लगाती हूँ, थोड़ा सा लगाना है ताकि वो थोड़ा सा सिल्की और स्मूथ सा इफेक्ट आ जाए। ये था मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को अगर अच्छी लगे तो। और बस इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं अगर कोई भी स्टेप समझ नहीं आया मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट से आपको जवाब दे सकूँगी और देंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी तरीके की बहुत प्यारी प्यारी वीडियो के साथ मैं इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।